ऑल राइट प्यारे बच्चों, देखिए एरर्स का बेसिकली आपने डिस्कशन कर लिया, बस हल्का सा बेसिक है, उसे और मेंटेन कर लो। एरर्स खत्म, चैप्टर्स खत्म, इसके बाद न्यूमेरिकल्स सेशन भी है आज, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सी। हाँ जी, देखिए क्या बात करनी है बेसिक, एक स्टार पावर्स, ये राजी। मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया जेड, मेजरमेंट ले लिया, क्वांटिटी ले ली, और कैसी ली है, ए स्क्वायर। पावर्स कुछ भी हो सकती है, टू थ्री एंड सो ऑन, सेम थिंग। तो अब इसके अंदर एरर्स का डिटर्मिनेशन कैसा होगा, डिटर्मिनेशन क्या होगा, एक बेसिक तो ये है, सिंपल है क्या, ये ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए। इसका मतलब क्या है, पावर का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन हम करता है डन। इसका मतलब अगर मैं अब आपसे यही ये कहूं कि इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये रिजी बस समझ लो कि वो जो दूसरे वाला बी था, दूसरी क्वांटिटी बी, बी भी यहां पर ठीक है जी, ए हो गया, और बाकी जो का था कुछ करना नहीं हमें। फिर भी अगर रिजल्ट की बात करें तो क्या होंगे जी, बस बी को ए करना, चलिए जी, ए डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा ए, क्या आ गया द सेम, टू टू ए डेल्टा ए, ये लो जी एब्सोल्यूट। अब अगर मुझे रिलेटिव की बात करनी है, ये रिजी रिलेटिव डेल्टा जेड बाई जेड, और रिलेटिव क्या थी जी, मल्टीप्लिकेशन, बस बी का ए, यानी कि डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, यानी कि फिर वही डबल टू डेल्टा ए बाई ए, राइट। चलिए आप परसेंटेज की बात कर लो, उसमें तो कुछ है ही नहीं, बस इंटू हंड्रेड करना, चलो कर दो, ये टू डेल्टा ए बाई ए इंटू हंड्रेड। अब देखो क्या निकल के आया कि भाई पावर्स अलग नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन साथ में एज ए स्टैंडर्ड जब हम इसे यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे कि पावर्स जितनी भी है बस उसका मल्टीपल होगा, कितनी है टू, तो एब्सोल्यूट में देखिए टू का मल्टीपल, रिलेटिव में देखिए टू का मल्टीपल, परसेंटेज में देखिए टू का मल्टीपल, कीप इट। अगली बात ये राजी, इसमें क्या है जी, मिक्स एलजेब्रा, राइट, जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, मिक्स फॉर्म भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां हम कैसे मेंटेन करेंगे, एक एक्सप्रेशन पुट करता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया जी जेड, दिस इज ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ये मिक्स है जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर्स भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब यहां मैं एरर्स की बात कैसे करूंगा, ठीक है जी, यहां हमें ध्यान दीजिए कोई एक्सप्रेशन डेरिवेशन नहीं करना, लेकिन यहां मैं मेंटेन कैसे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इंडिविजुअल कंसेप्ट मेरे पास है, उसे ही मुझे मिक्स फॉर्म में लगाना और मेंटेन करना। फिर भी एक छोटी सी बात याद रखा दिलाता हूं, ये रहा डी एम ए एस, डी मास, इससे करूंगा, पहले मैं डिवीजन दिमाग में रखूंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन रखूंगा, ठीक है, फिर एडिशन रखूंगा, फिर सब्ट्रैक्शन रखूंगा, राइट, एंड नो डाउट मैं मेंटेन कर लूंगा। देखो डिवीजन मेरे दिमाग में, तो इसका मतलब मैंने ये समझ लिया कि ये ऊपर वाला जो भी है एक्स है, नीचे वाला जो भी है वाई है, बस अब डिवीजन को कैसे डील करता हूँ, दैट आई नो, मेंटेन कर लो जी, और उल्टा चलेंगे, परसेंटेज रिलेटिव, ठीक है जी, ओके, और इसके बाद एब्सोल्यूट एरर, बस बेसिकली मेरी रीड तो परसेंटेज की ही होगी सी। देखो जी ये रहा जी एक्सप्रेशन मेरा, डेल्टा जेड आर परसेंटेज, हाँ जी
एक्स बाई वाई, अरे डिवीजन का मैं जानता हूँ, ए बाई बी बी करके आया हूँ, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। चलिए वही किया मैंने, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई दिस होल इंटू 100। अब मैं आगे बढ़ा, मल्टीप्लीकेशन, यस, क्योंकि मुझे पता है इस एक्स के अंदर मल्टीपल है, तो मल्टीप्लीकेशन का भी तो एडिशन जैसा ही है। तो अब मेरे दिमाग में इसके अंदर ये ए और बी आ गया, लेकिन ये भी ध्यान रखूंगा पावर साथ में, पावर्स एज मल्टीपल करके मैं साथ साथ चलूंगा, आई नो दैट। चलिए जी, तो एक्स में चलना हमें एक्स के लिए, ये रहा, हाँ जी मल्टीपल किसका, ए और बी का, लेकिन पावर्स ये जी पी डेल्टा ए बाई ए प्लस, हाँ जी क्यू डेल्टा बी बाई बी, राइट। नीचे नीचे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अकेला है, ठीक है जी, राइट जी, तो बात ही खत्म हो गई, अकेला है तो मेंटेन कर लो, बट पावर्स है तो ध्यान रख के डिवीजन में भी, यू नो डिवीजन में भी आपका क्या है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है जी, प्लस आता है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे ही डिवीजन में डेल्टा ए बाई ए, ठीक है जी, प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो डिवीजन के लिए प्लस आता है, ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन की तरह से। चलिए जी, तो फिर वही बात है कि मैं अब आगे बढ़ा वाई की तरफ, वहां अकेला है, ठीक है जी, तो डिवीजन के अंदर प्लस मेंटेन करूंगा, इस अकेले को पावर्स का ध्यान रख के मेंटेन कर लूंगा। चलो जी, ये लो जी, प्लस कर दिया मैंने आर डेल्टा सी डिवाइड बाई सी दिस होल इंटू 100, राइट जी, एक ही बार परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल ब्रैकेट के बाहर कर लिया, यानी परसेंटेज एरर का, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन तुम्हें आ गया, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है जी। लेकिन साथ में इसे सिंपलीफाई कर देता हूँ, सिंपलीफिकेशन दे देता हूँ बस, ठीक है, कि ये बात दिमाग में ना रख के एक सिंपल सी अप्रोच दिमाग में रखना और एक्सप्रेशन मेंटेन कर लेना। परसेंटेज जब भी करोगे, ठीक है, पहले आप एक्सप्रेशन ही लिखोगे, ओके, सिंपल बात। सिंपल क्या है जी, ये देखिए, एक एक क्वांटिटी को पकड़ो और उससे बात करो और आगे बढ़ो, लेकिन लेकिन एलजेब्रा का भी ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अच्छा एक छोटी सी बात है, मैं कहता हूँ यहाँ इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो कोई नहीं, उसको भी आप रेस्पेक्टिवली मेंटेन कर लेते, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। चलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, ए की पावर पी, पहले मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, पावर है तो मल्टीपल करूंगा और डेल्टा ए बाई, ठीक है जी, ए ये रहा। फिर मैं आगे बढ़ा, एलजेब्रा ध्यान रखूंगा, मल्टीपल, ठीक है, प्लस प्लस, यस, बी की पावर क्यू, क्यू डेल्टा बी बाई बी, डिवीजन अगेन प्लस, यस, सी की पावर आर, आर डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन भी आ गया कि एक एक को पकड़ो, बात करो और एक्सप्रेशन मेंटेन करो। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन मिल गया, राइट जी, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एल्जेब्रा पर भी क्वेश्चन आ सकता है और मिक्स पर भी आ सकता है, ठीक है, तो मिक्स का एक जनरल एक्सप्रेशन आपने जैसे मेंटेन किया, बार कंसेप्ट आपके पास आ गया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और वो है तीसरा स्टार, ये लगे कॉन्स्टेंट्स को हम एरर के अंदर कभी नहीं लगे, ना मेजरमेंट में लेते, ना ही आप डायमेंशन में लेते, और ना ही एरर में लोगे, अगली बात। चलिए एंड ध्यान दो, मिक्स एलजेब्रा प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवीजन, ठीक है जी, इनमें आपने
परसेंटेज एरर, ठीक है जी। रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे कि कहीं मिक्स एलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डील कर रहे हो, उल्टा चलना, पहले परसेंटेज निकाल लेना, रिलेटिव, ठीक है, और सबसे लास्ट में आपने एब्सोल्यूट, ठीक है जी, एरर को फाइंड आउट करना, इजी होगा, ठीक है। बढ़ो आगे, अब कौन सा बचा मेरा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो जी, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, ये रहा जी, देखिए जी इसमें क्या है जी, एब्सोल्यूट एरर प्लस रिलेटिव एरर प्लस परसेंटेज एरर। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम एज यूजुअल चलेंगे, पहले एब्सोल्यूट ही निकालेंगे, फिर रिलेटिव निकालेंगे, और फिर आप परसेंटेज एरर निकालोगे, ठीक है जी। यानी ये वे मैंने दे दिया, अब तीनों पोर्शंस यानी तीनों की तीनों एरर्स की फॉर्म्स निकलवाए या कोई एक दो, बट सिमेट्री इज दिस। ये बेसिक बचा था, एरर्स कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपका नो डाउट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू विद सुटेबल एग्जांपल्स पूरा हो गया। न्यूमेरिकल सेशन, देखिए इसे कैसे न्यूमेरिकली हम कवर अप करेंगे, एक लेवल के हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स दिए जो कॉम्पिटिशन को कवर अप करते हैं, ध्यान देना। सी ऑलराइट, सी देखिए जरा, अच्छा करते हैं, ठीक, हम यहीं से ही जो शुरू कर देते हैं, ओके, उल्टा चलो, नो प्रॉब्लम। एरर्स का क्वेश्चन है ये मेरे वाला, ठीक है, अभी उसी पर आपने बेसिक डिस्कस किया था, उसे कवर अप किया था, इंस्टेंट यूज करो। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर इज दिस, यंग्स मॉडुलस कह दो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह दो, हमें फिजिक्स की जरूरत नहीं, मैंने बताया यहाँ डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही हमें बस मेंटेन करना है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ, ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ ए वायर का रिलेशन ये है, वाई फोर एन जी पाई डी स्क्वायर कैपिटल एल स्मॉल एल, ये मास है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल लेंथ है, दोनों स्मॉल एल, ठीक है, लेंथ, डी डायमीटर है, राइट जी, और पाई आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने एम की बात करी है 3.00, उसने इस एल की बात करी है 2.890, उसने डी की बात की है और एल की बात की है, ठीक है, लेकिन किसी के साथ यूनिट नहीं लगाई, कोई जरूरत नहीं, यूनिट लगाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू नो कि जब हम हमारा क्वेश्चन परसेंटेज का, परसेंटेज की बात करेंगे तो यूनिट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, कहीं जरूरत पड़ती है, जहां जरूरत पड़ती वहां मिलेगी, और जहां नहीं पड़ती वहां मिल भी सकती और नहीं भी। आगे बढ़ो, तो हमने क्या करना, डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन, ठीक है जी, इस मॉडुलस के अंदर, y के अंदर, ठीक है। वैसे भी ये मिक्स आपका एलजेब्रा है, मुझे उल्टा ही चलना था, परसेंटेज से शुरू करना था, और इसने परसेंटेज ही पूछा, मैंने क्या बताया था अभी कि सबसे पहले हम, ठीक है, परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, राइट जी। और अभी अभी मिक्स का मैंने आपको, ठीक है, कि कैसे एक एक क्वांटिटी को पकड़ोगे और बात करोगे, सी। चलिए जी, ये सेवेंथ की बात कर रहा हूं, ये रहा सॉल्यूशन इसका, ये है डेल्टा वाई आर परसेंटेज, ठीक है, जो गिवन है क्लियर है, और जो प्रॉब्लम है ये है, और सॉल्यूशन शुरू। चलो देखो, अभी एक चीज बताई थी मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स का,
तो फोर खत्म कर दो दिमाग से, पाई खत्म कर दो, जीत खत्म कर दो, कैपिटल एम बचा, कैपिटल एल बचा, स्मॉल डी बचा, स्मॉल एल बचा, बस डील करो एक एक को, पहले एम को, ये रहा जी, दिस इज डेल्टा एम डिवाइड बाई एम। फिर मल्टीपल है, ठीक है जी, मल्टीपल है राइट, जी का तो मतलब नहीं, लेकिन एल के साथ भी क्या है, मल्टीपल ही तो है, बस प्लस किसकी बारी आई, एल की, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब नीचे आऊंगा, डिवीजन है प्लस, और पाई से मतलब मैं डी स्क्वायर पे आ गया, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है जी, पावर, पावर को एज ए मल्टीपल यूज करते हैं, डोंट फॉरगेट। तो क्या लिखूं, टू डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, अब फिर एक मल्टीपल है, कोई बात नहीं, प्लस क्या है छोटे वाला, डेल्टा एल बाई एल, और दिस होल इंटू 100। ये लो जी, सबसे पहला काम हो गया, बस वैल्यू पुट करनी, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि कहीं भी सिचुएशन में डेल्टा यानी एरर गिवन नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन अच्छा है अपने आप में, घुमा रहा है, कंसेप्चुअल है, तो कोई नहीं, उसकी वैल्यू को देख के हम उसके अंदर रिजोल्यूशन नो डाउट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि एरर मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, जैसे चलिए वेयर लिख देता हूं, एम मेरे पास है, डेल्टा एम नहीं, एरर है जो गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इस एम को देख के इस डेल्टा एम को मेंटेन कर, लाइक दैट, चारों में सी डेल्टा एम, देखिए मेरे पास एम क्या है, एम ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, दो, इसका मतलब क्लियर हो गया, लिस्ट काउंट बिकम्स 0.01, डोंट फॉरगेट, ठीक है जी, ध्यान देना इस बात पे कि डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी, दो, यहां भी डेसिमल के बाद दो में ही एरर होगी, लेकिन ये समझ लो कि जो फर्स्ट वन है वन होगी, और वन के अलावा बाकी आपकी जीरोज होगी, राइट, यस। तो कहीं अगर मिसिंग है, कीप इट, आगे बढ़ो, ये किसमें आई जी आपकी, ये तो आ गई डेल्टा एम के अंदर, अब मैं आता हूं ये डेल्टा एल में, 0.001, क्योंकि डेसिमल के बाद एक दो तीन, 0.01, 3, आगे बढ़ता हूं जी, डेल्टा डी, एक दो तीन, यानी सेम 0.001, और ये रहा जी डेल्टा एल 0.001, क्योंकि यहां भी आपकी तीन ही है डेसिमल के बाद, तो जी हो गया मेरा काम, पुट करता हूँ ये ना, दिस इज डेल्टा वाई आर, हाँ जी, डेल्टा एम 0.01, एम दिस इज 3.00, प्लस डेल्टा एल 0.001, एल 2.890, प्लस चलिए जी डेल्टा टू, टू इंटू डेल्टा डी 0.001, दिस डिवाइड बाई डी 0.082, प्लस 0.001 डिवाइड बाई, ठीक है जी, एल 0.087, और दिस होल इंटू 100। ध्यान रखना आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सब न्यूमेरिकल्स को आपने ध्यान से रीड करना है, इन्हें अंडरस्टैंड करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक, कोई डाउट है आपने, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में डालना है, राइट, खैर बढ़िए, देखिए चलो जी, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, देखो इस 100 की यहाँ मल्टीपल कर रहा हूँ तो दिस इज 1/3, यहाँ पे कर रहा हूँ तो दिस इज 0.1 डिवाइड बाई 2.89, इस जीरो को मैं लिखूँ या ना लिखूँ, चलिए जी यहाँ पे कर रहा हूँ तो दिस विल बी 0.2, क्योंकि 2 की मल्टीपल कर रही और 2 डेसिमल 100 की मल्टीपल, दिस डिवाइड बाई 0.082, प्लस यहाँ करूँगा तो 0.1 डिवाइड बाई 0.087, ये लो जी, और इस सब को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यू सी
इसकी जो वैल्यू आती है हमारी, यू कैन चेक द सेम, दिस इज नथिंग 3.95%, एंड दैट विल बी योर आंसर कंप्लीट। कई बार समझ में आई, इसमें एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बिना यूनिट भी दिया हो सकता है, एरर नहीं दी होती, एरर को मेंटेन करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट छोड़ने पड़ते हैं, कंप्लीट अच्छा क्वेश्चन। एक ही छोटा सा क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंट फिगर का, देखो इस छठे में क्या है, वो ये है कि क्यूब की साइड ए, ये गिवन, और ये दे दिया आपको 7.203 मीटर, और इसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, इट इज अ केस ऑफ क्यूब, ये क्यूब का केस है, ठीक है, क्यूब की साइड आपकी ये दी है और आपको सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना, ठीक है जी, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या अगर यस दिस इज 6a² दिस इज 6a² 7.203, ठीक है, अब मल्टीपल करके जो मुझे मिल रहा है, ठीक है, आप उसका ध्यान दे, देखिए वो वैल्यू क्या है, सीधा से ये मिल रहा, लेकिन डेसिमल 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा, यानी कि ये कैलकुलेशन होगी, लेकिन आपने आंसर चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और आपको ध्यान होगा कि अगर कोई स्टैंडर्ड है, कोई कांस्टेंट है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट फिगर में भी नहीं है, मेजरमेंट में नो, डायमेंशन में नो, सिग्निफिकेंट फिगर में नो, एरर में नो। अब बचा मेरा ए, ए ये राजी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, 4, इसका मतलब मेरा आंसर कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर, 4, मेरा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, तो फिफ्थ वन डिजिट को राउंड ऑफ करता हूँ, राउंड ऑफ करना जानता हूँ मैं, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, 5 से कम है छोड़ दूंगा, और 5 से ज़्यादा है, 5 एंड मोर देन, ठीक है 5 है, तो इसमें लास्ट वन में एक हम ऐड करते हैं, सी देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ तक, इसका मतलब मैं राउंड ऑफ 1 को कर रहा हूँ, 1 5 से कम छोड़िए, इसका मतलब यू प्लीज सी कि जो ये जो लास्ट वन डिजिट है मेरी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये 5 मोर देन 5 होती तो ये आपकी एक ऐड होके 0.8 बन जाती, ये होगा मेरा 3.73.7 एंड दैट इज मीटर स्क्वायर आंसर, ये लो जी, आगे समझ में सिंपल। अब ये जो बेसिक बात है, 6 काउंट नहीं हो रहा, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, छोटा क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लाइक दैट डन, नेक्स्ट, दिस इज योर अब मैं देखो इसको यहीं से ही, चलो ये तो क्वेश्चन आपने उल्टे कर दिए, ठीक है, इसको सीधे कर लो, 1, 2, 3 और आई सी, ये राइट, 1 में क्या है, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन, इसका मतलब ये हो गया मेरी बात कुछ ऐसी है और कुछ ऐसी है, और ये जो एंगल है कितना दिया भाई, ये रहा गिवन, थीटा मुझे दिया है 1920 डबल डैश, ठीक है, और 1 AU इज नोन 1.5 × 10^11 meter, ओके, व्हाट इज दिस कैपिटल डी, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, देखो पैरेलल्स मेथड बेस्ड क्वेश्चन, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज दिस, फाइंड लीनियर डायमीटर, एंगुलर गिवन है, लीनियर ऑफ द सन गिवन 1 AU इक्वल टू दिस, सिचुएशन कुछ ऐसी है, अर्थ है ये सब है, ठीक है, तो सन जो एंगल बना रहा है इस पे ए, ये आ जाए इतने सेकेंड, ठीक है, ओके, इसका लीनियर डायमीटर क्या है, ये मेरी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और मुझे पता है सन अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज टू बी दिस, ओके, अब आप देखिए जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस सेंटर से सेंटर, यस सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ, ठीक है, अर्थ के बीच की ही 1 AU है, ठीक है,
इसका मतलब ये है कि इस बात को अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसी आ जाएगी, ये रहा अर्थ, अर्थ का सेंटर, ये रहा अर्थ का सेंटर, ये रहा सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये लीजिए, राइट। बट सी, हम ऑब्जर्वेशन सेंटर से तो करेंगे नहीं, है ना, नो, ऑब्जर्वेशन सरफेस से करेंगे। इसका मतलब सरफेस को ही मैंने ऑब्जर्वेशन का पॉइंट बनाया, ठीक है। या तो वो यहां से पोजीशन देता, लेकिन उसने पोजीशन यहां से दिए, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन वाले ने किया है कि वो सन और अर्थ के बीच की पोजीशन को सन और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ले रहा है, ठीक है जी। बस यहां से इसके डायमीटर को आपने ऑब्जर्व किया, इन टर्म्स ऑफ एन आर्क किया, उसने ये एंगुलर सेपरेशन बनाया, ठीक है। पोजीशन मेरे पास है ये आर, राइट, आर, ओके, और ये डिस्टेंस एंड डायमीटर क्या है, ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम, ओके, क्लियर सिचुएशन, राइट। पैरेलेक्स मेथड, ये राजी आपके पास आ गया, यानी सॉल्यूशन आपका यूजिंग पैरेलेक्स मेथड। सिचुएशन बिल्कुल समझ में आ गई ना आपके, ठीक है, ओके, कि कहीं भी अब आर में मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं होता, बस, तो भाई हमारी प्रॉब्लम, ठीक है, डायमीटर है, ओके, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसने क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है जी, कि लीनियर डायमीटर, ठीक है, एंगुलर डायमीटर, जरा एक बात सुनो, यानी सन का जो डायमीटर है, ठीक है, एंगुलर डायमीटर से मतलब क्या, डायमीटर, डायमीटर कितना एंगल, ओके, बात, और लीनियर डायमीटर की तो कोई बात नहीं, ठीक है, डायमीटर प्रॉब्लम है, ठीक है जी, चलिए जी। तो अब मैं नहीं समझता कि कोई कंट्राडिक्शन इसके अंदर है, कहीं हल्का सा जो था वो ये हो सकता था और ये हमने रिमूव कर दिया, और अब आप जो हैं पैरालेक्स मेथड के साथ आगे बढ़ गए, चलिए जी, चलो जी। मेथड क्या कहता है, ये रहा थीटा, आर्क, ये एंड्स मेरे ए बी हैं, तो दिस इज आर्क ए बी डिवाइड बाई, ठीक है जी, ये रही पोजीशन आर, और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, डी के, सो डी बिकम्स दिस इज थीटा इनटू आर, ओके। हम इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने प्लेनेट, ठीक है, या स्टार का साइज फाइंड आउट किया है, ठीक है, थ्योरी के अंदर आई थिंक हमने, ठीक है जी, स्टार का ही फाइंड आउट किया, साइज को मैंने क्या कहा था, साइज को डायमीटर कहा था, इसका मतलब ये डिस्कशन थ्योरी में हमारे पास है। इट मीन्स ये समझ लीजिए कि मैं ओके इसको भी ना लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, डायमीटर का हम लिख सकते हैं, ठीक है, एज पर पैरेलेक्स मेथड, चलिए, ये रहा थीटा, लेकिन ये सेकंड में है, ध्यान रखना, सेकंड, और सेकंड का रेडियन आपके पास आता है, ये रहा 1 सेकंड, आपको पता है कितना, दिस इज 4.85×10⁻⁶ रेडियन, ओके, इसका मतलब ये हो गया जी 4.85 - 6, और ये जो डिस्टेंस है मेरी, दिस इज 1.5×10⁻¹, ठीक है, 1.4×10⁻¹ मीटर, ये लो जी डी आपका आ गया, ये, ठीक है, आंसर कंप्लीट, ये लो जी, फर्स्ट वन आपने पैरालेक्स मेथड से कंसर्निंग प्रॉब्लम मेंटेन कर ली, कंसेप्चुअल टच को समझ कर। टू देखो जी, ये रहा टू मेरा, ये रहा जी टू, ये इक्वेशन दी है मुझे टू की, वाई दैट इज ए, कैपिटल नहीं, स्मॉल, स्मॉल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इसने बताया इसे टाइम, इसने बताया इसे पोजीशन, ठीक है जी। अब हमें ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और के का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ये रहा जी गिवन, जान दो। देखिए ये आपका जो है फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन से कंसर्निंग है, ये कोई एक क्वेश्चन दी है वाई ए साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में माइनस के एक्स, उसने बताया टी टाइम है, एक्स हमारा क्या है,
पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह दो। अब ओमेगा के को अननोन कहा है, बस इन अननोन की और रिलेशन को क्या कहा, देखिए जो भी है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट यूज में दो तरह के क्वेश्चन थे, एक तो रिलेशन को हमें या रिलेशन की करेक्टनेस वैलिडिटी को हमें डायमेंशंस का यूज करके चेक करना था, एक ये कि रिलेशन करेक्ट है उसमें अननोन को फाइंड आउट करना, और कैसे सब कुछ आपको पता है कि नोन वाली जो टर्म्स हैं उन्हें अननोन वाली टर्म्स के बराबर रखेंगे और डायमेंशंस अननोन की फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। बढ़िया, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम हमारी सीक्वेंस बन चुकी है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा किस बात का है जी, ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप, ओके, ये कोई इक्वेशन दी है डायमेंशनली ये करेक्ट है, वाई और ए के विषय में कुछ नहीं कहा है, मत कहो, जरूरत भी नहीं है, ये पूरा एंगल है और एंगल की, ठीक है, आपको पता है डायमेंशन नहीं होती, नहीं होती तो किसके बराबर है, यूनिटी के बराबर, एंगल वेयर कीप दिस थीटा नो डायमेंशन, राइट, दैट इज, ठीक है, इक्वल टू वन, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, आपका आर्क रेडियस ये रहा, आर्क कोई लेंथ है, रेडियस कोई लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल, डायमेंशन कुछ नहीं है, लेकिन बचा क्या, वैल्यू वन, ठीक है। तो आप जरा पकड़ो मेरी बात को, एंगल जिसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वैल्यू किसके बराबर है, वन के। अब इसमें भी टर्म्स दो हैं, तो एक बात यही सीख जाओ, किसी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स जितनी भी हैं, ठीक है, डायमेंशन उन सभी की सेम होती है, राइट, क्योंकि रिलेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए जी, तो एक एक को पकड़ते हैं, लेकिन ध्यान दो यहां पर, इसमें भी अननोन, इसमें भी अननोन, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है यूनिटी भाई, वैल्यू, चलिए इसको उठाता हूं मैंने, दैट इज या एंड देयर फोर, ये रहा जी मेरा ओमेगा टी वन, ओमेगा नीड है टी, ये रहा जी, दिस इज एम नॉट एल नॉट टी वन, डायमेंशनल फॉर्मूला टी, ठीक है जी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, बढ़िए, ये आ गया जी ओमेगा का आपका, इट इज वन डिवाइड बाई एम नॉट एल नॉट टी, और इसी को मैं कैसे एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन, ये रहा जी, ठीक है आंसर, ओमेगा अननोन फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, डायमेंशंस फाइंड आउट कर ली, अब इसके इसे भी आप जो है यूनिटी वन के बराबर रख दो, या आपको मैंने अभी क्या बताया था कि ब्रैकेट में जितने भी हैं टर्म सभी की, ठीक है, डायमेंशंस सेम होगी क्योंकि डायमेंशनली रिलेशन करेक्ट है, ठीक है भाई, ये तो कह चुका, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, ठीक है, बस खत्म, करेक्ट है, इसलिए टर्म्स जितनी भी हैं नो डाउट सभी की डायमेंशंस सेम ही होंगी, तो मर्जी हमारी, या तो यूनिटी रख के निकाल लो के को, या इन दोनों की इक्वल करके आप के की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लो, सी, चलो ऐसे करते हैं, देखिए जी, कह रहा मेरे पास ये रहा डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स, यूनिटी रख के डायरेक्ट था ही, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरह से किया कि ये भी मेथड आपके दिमाग में आ जाए, वैसे हम एक एग्जांपल ऐसा करके आए थे, चलिए क्या दोनों की डायमेंशंस, ठीक है, इक्वल आपने कर ली, बढ़िया, ओमेगा क्या है भाई, ठीक है, दिस इज इसकी डायमेंशन क्या, अभी अभी आई आपके पास, एम नॉट एल नॉट, ठीक है जी, टी माइनस वन आई ए टी टाइम एम नॉट, ठीक है जी, एल नॉट और टी की टी, और राइट हैंड साइड में ये के अननोन, एक्स मेरे पास एम नॉट एल टी नॉट, ये रहा, देखिए जी आई एम गेटिंग के, इसको यही कैलकुलेट करो, एम नॉट नॉट नॉट
और ये नॉट नॉट एल भी आपका नोट है, और ये माइनस प्लस वन कुछ नहीं है तो वन है, और वन है तो माइनस वन प्लस, ठीक है जी, वन आपका जीरो हो गया, यानी टी नॉट। ये लो जी लेफ्ट हैंड साइड से इसको नीचे ले आया मैं, ये एम नॉट एल टी नॉट बढ़ो, फिर आपने एक्सपोनेंट्स रूल्स लगाए और आप यू आर गेटिंग एम नॉट, यहाँ नॉट माइनस, ठीक है जी, वन, तो इसका मतलब माइनस वन, और ये नॉट जो का त्यों, ये के की डायमेंशन आंसर आपका आ गया। दोनों अननोन को ऐसे ऐसे फाइंड आउट कर लिया, यस फर्स्ट यूज, दो तरह से सीख कर आए हैं, या तो चेक करो करेक्टनेस, ठीक है जी, वैलिडिटी ओके, यह करेक्ट है अननोन, डन। नेक्स्ट मैं थर्ड पर हूँ, ध्यान दीजिए।